हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नीलेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनमोल नेचर। आज मैं बात करूंगा इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट फिलोडेंड्रॉन गोल्डन। और इस मेरे बहुत सा मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, मुझसे कुछ क्वेश्चन किया था इसके बारे में कि आपका प्लांट इतना हेल्दी कैसे है और मेरे प्लांट में रिंकल्ड आ रहे हैं, मेरे प्लांट में रॉटिंग हो रही है, मेरा प्लांट इतना हेल्दी नहीं है। तो मैं सबसे पहले उनको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप जब भी अपने प्लांट का सिलेक्शन करें, नर्सरी में जब भी आप अपने प्लांट को ख़रीदें तो आप उसके कंडीशन को ज़रूर देखिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो प्लांट हम लोग जब लेते हैं, अगर वो सस्ता रहता है तो हम लोग उसके उस प्लांट के कंडीशन को देखे बगैर हम लोग उस प्लांट को ख़रीद लेते हैं। फिर जब वो प्लांट हम लोग घर में लाके लगाते हैं तो वो प्लांट या फिर सूख जाता है या फिर वो बढ़ता नहीं है, और अगर बढ़ता भी है तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स, उसमें उसके फिजियोलॉजिकल चेंज में कई सारे उसे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं और वो अच्छा कभी बीमारी उसमें लग जाती है, डिजीजेज हो जाते हैं, कभी इंसेक्ट पेस्ट लग जाते हैं। तो आप अपने प्लांट का सिलेक्शन इस तरीके से कीजिए कि उसके रूट जो उसका कॉलर रीज़न होता है, और आपको मैं बता दूं कि कॉलर रीज़न क्या होता है, तो कॉलर रीज़न ये होता है यहाँ से पूरा अपर जितना ऊपर पार्ट होता है प्लांट का, उसको अच्छे से आप उसके आइडेंटिफाई कीजिए कि वो प्लांट हेल्दी है, और अपने अपने मन में आप उसको जज कीजिए कि क्या वो प्लांट आगे तक आपके गार्डन में रह सकता है, क्या वो अच्छा है। तो फ्रेंड ये बताना चाहूँगा, ये जो प्लांट है इस स्पीसीज के जो भी प्लांट होते हैं फिलोडेंड्रॉन, ये जो प्लांट है ये ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होता है और ये किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट भी रेसिस्टेंट ही होता है। आप ये जो प्लांट है इसमें कभी भी कोई भी डिजीजेस नहीं लगते हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे प्लांट में मैंगो मिली बग जो होता है उसका अटैक हुआ था, बट इस प्लांट में उसका कोई भी अटैक नहीं हुआ था। थोड़ा सा ये इसमें तब प्रॉब्लम आती है जब समर होता है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये बताता हूँ कि इसमें एक ही ऐसा हम लोगों को फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल लीजिए या डिजीज़ बोल लीजिए, हमें वही देखने को मिलता है कि इसके जो लीफ होती है उसमें ब्लैक स्पॉट्स के जो लीफ मार्जिन होते हैं मार्जिन होती है उसमें ब्लैक स्पॉट्स हम लोगों को दिखता है। तो वो कैसे दिखता है, तो जब हम लोग कभी भी प्लांट में ज़्यादा नमी होती है या उसका वाटर जो है अच्छे से ड्रेन नहीं हो रहा है पॉट से, या उसको इस जगह पे लगा दिया गया है जहाँ पे हमेशा पानी इकट्ठा होता है, और या फिर इस तरीके से कंडीशन पे लगा दिया जाता है, तो प्लांट में रॉटन होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें देखिए ये इसके मार्जिन से स्टार्ट होता है ये रॉटन होना और इसके पेट्यूल तक जाता है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे अपने स्टेम को रॉट करता है, फिर उसके बाद विल्टिंग जैसी कंडीशन आ जाती है, फिर वो सूख जाता है प्लांट। तो ये जो प्लांट है इसमें बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि इसमें कोई भी डिजीजेज लगती हैं, और समर में थोड़ा सा इसकी जो लीफ होती है उस इसका ग्रोथ जो होता है वो चेक हो जाता है, विंटर में भी इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, बट इन समर सॉरी इन मॉनसून में ये जो प्लांट होता है बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। मैंने लास्ट ईयर लास्ट टाइम का जो वीडियो है उसमें जब मैंने इसी प्लांट को दिखाया था, तो आप देखोगे उस वीडियो को तो उसमें पूरे ग्रीन ग्रीन से इसके लीफ दिखेंगे, बट अभी आप देख सकते हो कि पूरा ये प्लांट जो है गोल्डन आपको दिख रहा होगा, गोल्डन लीफ के साथ दिख रहा होगा, और कोई कोई प्लांट में तो ऐसा भी लग रहा होगा कि ये सूख रहा है, इसकी जो लीफ हो रही हैं वो येलोइश हो रही हैं, जब मैच्योरिटी टाइम पे लीफ येलो होती है वैसे टाइप की इसके प्लांट इसके जो लीफ है वो दिखती है। और उस समय जब मैंने दिखाया था तो उसका जो पेटियोल होता है वो रेड नहीं था, बट आपको अभी मैं पेटियोल्स इसके दिखाऊंगा, तो देखिए रेड है, और यही इसकी खासियत है इस प्लांट की। और ये मैंने जो इस प्लांट को मैंने जब ख़रीदा था तो मैंने इसको ऑनलाइन ख़रीदा है ugao.com से, और बहुत ही हेल्दी कंडीशन में आया था, कोकोपीट में पॉट के साथ उसको, इसकी पैकिंग इतनी अच्छी थी कि मैं उसको देख के खुश हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मैंने ugao.com से मंगाया है। हाँ कॉस्टली होता है लेकिन
बहुत प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं, और मुझे अभी तक समर में सिर्फ इसकी लीव्स की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, थोड़ा सा बर्न हो जाता है। अदरवाइज इसमें कोई भी ना तो डिजीज़ मुझे दिखा, ना तो कोई भी इंसेक्ट पेस्ट का इसमें अटैक आया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस प्लांट को लेकर। अगर और क्वेरी की अब बात करते हैं, तो मुझसे एक मेरे व्यूअर ने पूछा था कि इस उनके प्लांट्स में रिंकल्स लीव्स हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके अगर प्लांट में ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज़ नीम ऑयल का छिड़काव कीजिए, और क्योंकि मैं यही सजेशन दूंगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी ऐसा पेस्ट नहीं है। नीम ऑयल दीजिए, उसके सॉइल को आप चेंज कर सकते हो, और हमेशा सॉइल को चेंज करने के साथ साथ आप सॉइल में ये भी ध्यान दीजिए कि क्लेई सॉइल नहीं होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल लोमी सॉइल होनी चाहिए, जो बिल्कुल भुरभुरी सी हो जैसे मैं दिखाता हूँ। और विंटर में बहुत अगर वीक में आप देखिए मेरा सॉइल बिल्कुल भुरभुरा सा है, उसमें पानी भी नमी रखिए, बट पानी एकदम सॉगी मत रखिए, वेल ड्रेन रखिए, तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। देखिए मेरे प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी हैं, कुछ जैसे ये है मैच्योर लीफ है, थोड़ा सा येलो होगा, वो तो सब में होता है, एंड एंड ऑफ द डे फिर ये फॉल डाउन हो जाएगा, तो ये होता है। देखिए इसमें ये पीलिया का प्लांट भी इसमें उगा है, देखिए, तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, और मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी की है, तो आप देख सकते हो। और मैंने इसके बिना रूट बॉल को डैमेज किए, इसके रूट जोन को डैमेज किए, मैंने इसको सिर्फ निकाला है, हल्की मिट्टी निकाल के उसमें FIM और थोड़ा सा रिच सॉइल मैंने इसमें डाला है ताकि अच्छे से ग्रोथ हो। और तो फ्रेंड, आपको यही मैं सजेशन दूंगा कि आप प्लीज़ अच्छे हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में उस प्लांट की ग्रोथ को इंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, यही मेरा आज का वीडियो है, आज का टॉपिक यही था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।